पोस्टमार्टम हाउस में सड़ा दिया सैनिक के इकलौते पुत्र और साले की लाश। कानपुर सेना में कार्यरत कुटिया रामपुर निवासी विजय नारायण सिंह का इकलौता पुत्र प्रियांशु सिंह उम्र 16 वर्ष और उनका साला सुजीत सिंह उम्र 20 वर्ष मुक्ता देवी के दर्शन करने गए थे। वहीं यमुना नदी में स्नान करते वक्त दोनों डूबकर मर गए। विजय नारायण सिंह का आरोप है कि कानपुर देहात स्थित पोस्टमार्टम हाउस के कर्मचारियों ने उनसे इस बात की घूस मांगी कि वो पैसा ना मिलने पोस्टमार्टम नहीं करेंगे और दोनों की लाशें परिजनों को सुपुर्द कर देंगे। पैसा ना देने पर पोस्टमार्टम हाउस के डॉक्टरों ने और कर्मचारियों ने मिलकर दोनों शवों को सड़ा दिया और परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने जब दोनों के शव देखने की बात की तो पोस्टमार्टम हाउस उसके डॉक्टरों और कर्मचारियों ने शवों को खोलने से मना कर दिया। परिजन जब लाश को दफनाने जा रहे थे तो विजय नारायण सिंह ने अपने पुत्र को दफनाने से पहले सब लोगों के मना करने के बावजूद सील बंद शवों को जब खोला तो उनके ऊपर गाज गिर पड़ी, क्योंकि दोनों शव बुरी तरह से क्षत विक्षत हो चुके थे। विजय नारायण सिंह का आरोप है कि शवों को डीप फ्रीजर में न रखे जाने के कारण दोनों शव खराब हो गए। पोस्टमार्टम हाउस कर्मचारियों की लापरवाही की इंतहा ये थी कि उन्होंने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करने के बाद दोनों के शरीरों को सिला तक नहीं था, जिसके कारण दोनों के शरीर के आंतरिक अंग लीवर किडनी आदि दिखाई पड़ रहे थे। विजय नारायण सिंह के भाई ने बताया कि इस मामले में पुलिस की भी लापरवाही हर कदम पर देखने को मिली है। थाना प्रभारी मूसा नगर और उप जिलाधिकारी कानपुर देहात से NDRF उपलब्ध कराने का बार बार निवेदन किया गया, लेकिन NDRF टीम उपलब्ध नहीं हो पाई, जबकि परिजन NDRF टीम का खर्चा भी बर्दाश्त करने को तैयार थे। इस घटना का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि पुलिस और पोस्टमार्टम कर्मचारियों की लापरवाही के कारण एक दुखी बाप को अंतिम समय में अपने बेटे को गले लगाने तक का मौका नहीं मिला, क्योंकि पुत्र का शव पूरी तरह क्षत विक्षत हो चुका था। ये घटना स्पष्ट करती है कि योगी सरकार भले ही भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात करें, लेकिन उत्तर प्रदेश के पुलिस निरंकुश है और उसके कार्य प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। ये सर मुक्ता देवी मंदिर में गया था मेरे पास 23 तारीख को, मेरे भाई कब, ये मूसा नगर मुक्ता देवी मंदिर में दर्शन करना जाना चाहता हूँ, तो मैं बोला ठीक है दर्शन करके आ जाना। मैं नागालैंड से फोन में बातचीत हुआ था वाइफ से, तो हमने बोला ठीक है आप जाके आ जाओ, मगर वहाँ पे नदी में नहीं देखना, हमको बोला नदी में न जाए, घर से नहा के जाए। उनकी जो गलती है वहाँ पर कब कैसे पहुँच गए, नदी में पहुँच गए, वहाँ पे ये लोग घुस गए, हम उस टाइम अपने ड्यूटी पर थे। मैं साधन न होने के कारण अपने जैसे भी व्यवस्था करके मैं पहुँचा, 20 घंटे के अंदर इन लोगों ने बॉडी को सड़ा दिया। इतनी स्मेल हो गई थी सर बॉडी में कि बॉडी का जो है पास पहुंचना बहुत मुश्किल था। माँ का बुरा हाल है, इकलौता बेटा था मेरा और साथ में साला भी है, उसकी सेम कंडीशन, उसकी भी यही है कंडीशन, दोनों की यही है सेम, यही कंडीशन पे उनका भी बॉडी को सड़ाई गई और उसके जो है साथ जो है पोस्टमार्टम ऐसे किया। पोस्टमार्टम भी इन्होंने इस वजह से किया गया, जबकि हमारे घर पर माँ, मेरे मदर फादर भी बेंगलोर में रहते, इनके पहुँच ये इनको भी पहुँचने में थोड़ा समय हो गया, 2 बजे के आसपास पहुँच गया था, मैं 3:30 बजे पहुँचा था। तो इन्होंने फादर भी उधर किया, रामपुर का साढ़ थाने से रहने वाला हूँ। मेरा बच्चा 24 जून को अपना नाना के यहाँ जो है गया था, उधर था, तो वहाँ से मुक्ता देवी मंदिर गया था, तो मुक्ता देवी मंदिर में जा कर के वहाँ पे ये कब क्या हो गया, कैसे डूब गए वो पता हमारे को बाद में चला वहाँ पे। बट वहाँ पर जब मैं अपनी ड्यूटी पे, मैं नागालैंड में पोस्टेड हूँ, आर्मी में हूँ, मेरे फादर भी आर्मी से हैं, मेरे ससुर जी भी आर्मी में हैं, मेरा मतलब साला प्लस मेरा बेटा दोनों ही इस घटना में डूबे हैं, तो दोनों की इन्होंने जो है कंडीशन बच्चों की जो है बहुत बुरी कर दी। इन्होंने पहले तो जब हमारे पास फ़ोन आया तो बोला कि डूब गए हैं, तो हमने पता किया चारों तरफ। इसके बाद वहाँ पर ना तो कोई NDRF टीम पहुँची, सुबह की 10 बजे की घटना है और शाम को 5 बजे तक, 6 बजे तक भी कोई NDRF टीम नहीं पहुंच रही है। जो वहां पे लोकल गोताखोर थे, सिर्फ वही लोकल गोताखोर ही वहां पे ढूंढ रहे थे। जब ज़्यादा आक्रोश देखा गया तो इन्होंने पुलिस ने अपनी जनसंख्या को बढ़ाते रहे, ना कि जो है ढूंढने के लिए NDRF टीम की व्यवस्था नहीं की, सबसे बड़ी वो उन्होंने गलती ये हुई है। और इसके बाद जब बच्चे को
ज़्यादा जन आक्रोश हुआ तब एक जहर सिंह नाम का एक युवक है जो वहीं आसपास रहने वाला है मूसा नगर का, तो उसको लेने के लिए जब जन आक्रोश को देखते हुए पुलिस उसको लेने गई, कानपुर से उसको लेके गई, उस बंदे ने आधे घंटे के अंदर बॉडी को जमुना जी से निकाल दिया, जबकि इतने वहाँ पे लोकल गोताखोर नहीं ढूंढ पाए थे। उससे पहले ना तो कोई NDRF टीम थी ना कुछ थी। बॉडी निकालने के बाद सर उनको ना कोई एम्बुलेंस की वहाँ पे कोई व्यवस्था की दी गई, ना कोई डॉक्टर वहाँ पर था। उससे पहले इन्होंने उसका पंचनामा कर दिया गया, जबकि ये नियम के विरुद्ध है, हो सकता है मेरा बच्चा जिंदा हो। इन्होंने बिना डिक्लेयर किए बच्चे को पॉलीथीन, जो कोरोना वाले जो पॉलीथीन पैकेज आते थे उसमें चैन में बंद कर दिया। हो सकता है इसमें बच्चा हमारा उसमें मर गया हो, मगर इसके घटना के पूरा SO मूसा नगर का जवाबदार है। उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। हमने SDM साहब को आए हुए थे घटना स्थल पर लगभग 6 बजे, मैं SDM साहब से भी बात किया, मैं बोला साहब हमारे बच्चे को जो होना था हो गया, हमको कोई शिकायत नहीं है, हमारे बच्चों को यहीं से हैंडओवर कर दिया जाए। आपकी ना तो कोई सरकारी टीम ने ढूंढ के दिया है ना कुछ, हमारे लोकल गोताखोरों ने ढूंढा है, जो भी हमको करना था उनको हमने कर लिया है, आप हमारे बच्चों को हैंडओवर कर दो। उन्होंने बोला नहीं ये तो नियम के हिसाब से करना पड़ेगा ये वो, और फिर हमारे परिवारजन जो वहाँ पे ससुराल पछते थे, हमारे गाँव के लोग भी पहुँचे हुए थे, हमारे भैया वगैरह, तो उनको उन्होंने जो है उस उन्होंने सब ने बोला कि ठीक है हमको बॉडी हैंडओवर कर दो। उन्होंने बोला ठीक है हम थाने चलेंगे, थाने से पंचनामा करके और आपको हैंडओवर कर देंगे। इन्होंने सर पंचनामा कर दिया, वहाँ पे ना कोई एम्बुलेंस ना कोई डॉक्टर, विदाउट डॉक्टर के इन्होंने पंचनामा किया, उनको पैक कर दिया गया।